आज के दिन YouTube पर ग्रो करना इतना मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है जितना कि 10th क्लास के बच्चे के लिए IAS का एग्जाम क्रैक करना। मतलब इतना कंपटीशन है जिसकी हद ही नहीं है। आप चाहे किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, आपको फोटो एडिटिंग अच्छी आती है, वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है, आप मोबाइल की अच्छी खासी नॉलेज रखते हो, या फिर आप में कोई और स्किल्स है, आप अच्छा खासा पढ़ा लेते हो, कॉमेडी अच्छी कर लेते हो, लेकिन जैसे ही आप आपकी फील्ड के क्रिएटर्स को यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो लाखों की संख्या में मिल जाएंगे। यही नहीं, उनके सब्सक्राइबर्स भी आपको लाखों में देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या आप एक नया चैनल बनाकर उस पर जल्दी ग्रो कर पाओगे? मेरे को नहीं लगता, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, उसी के बाद आप ऊपर आ पाओगे। तो कितना ज्यादा अच्छा होगा ना कि आप एक नया चैनल बनाओ जो कि कंप्लीटली यूनिक हो, बिल्कुल नया आइडिया हो और उसमें कंपटीशन बिल्कुल जीरो हो। यही नहीं, आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर आपका कंटेंट भी डाउन ना पड़े और वो हमेशा चलता रहे। ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन आप सभी के इसी सॉल्यूशन के लिए आज मैं 4 से 5 दिन की रिसर्च करके एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पर आपको मैं 25 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल यूनिक है, कोई कंपटीशन नहीं है और आने वाले 5 से 10 सालों में उनको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। और अगर आप इनको अभी फॉलो करते हो तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। यहाँ पे आपको मैं 25 चैनल आइडियाज तो बताऊंगा, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से समझोगे तो आपको करीबन करीबन 4 से 5 हजार टॉपिक्स दिमाग में आ जाएंगे। तो दोस्तों, जितनी मेहनत के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जितना कॉन्सेप्ट लगा के ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी का फर्ज बनता है इस वीडियो को इतना ही प्यार देने का। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आपको सारे मैं बुलेट पॉइंट्स बताता हूँ। पहला है अवेयरनेस और सिंपैथी का। आपने एक्टर वरुण पृथ्वी देखे होंगे, ऐसे ही आपको वीडियोज बनानी है, कुछ ऐसी वीडियोज क्रिएट करनी है जो कि सिंपैथी वाली हो, जो कि लोगों को इमोशनल कर दे। ऐसा करने से आपकी वीडियो पे फुल वॉच टाइम आएगा और लोग उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और आने वाले टाइम में इन चीजों का फ्यूचर कभी भी नहीं बिगड़ने वाला है। सेकंड चैनल आइडिया कुछ ज्यादा ही अच्छा है। आपके पास कोई भी शॉप है, चाहे आपके पास साड़ी की दुकान है, आपके पास कोट पैंट की दुकान है, आपके पास यहाँ पे जूते चप्पल की दुकान है, या फिर होम अप्लायंसेस की, उसके अलावा कोई भी हो सकती है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके पास जो कुछ भी है उसको प्रेजेंट करते हुए 5 मिनट की एक वीडियो बनानी है और उसको यूट्यूब पर डाल देना है। जैसे कि आप एक दुकान पे काम करते हो, आपको दुकान का शटर बंद करना है, उसके अंदर आपको मोबाइल लगा के 5 मिनट की वीडियो शूट करनी है। आपके पास अगर एक साड़ी है, उसके हर एक चीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, बस आपका काम हो गया। आपको वीडियो YouTube पर डाल देनी है, उसके डिस्क्रिप्शन में अपना WhatsApp नंबर वगैरह डाल देना है, जहां से जो कुछ भी देख के उसको खरीदना चाहे वो उसको खरीद सके। ऐसे चैनल आपको YouTube पर फिलहाल के टाइम पे बहुत कम देखने को मिल रहे हैं और अगर आप ऐसा कुछ स्टार्ट करते हो तो आपका चैनल रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर पाएगा। दोस्तों, थर्ड जो चैनल है ना, वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आपको घर के अंदर बैठ के कुछ भी फूड बनाना है और उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। कुछ भी से मतलब है कुछ भी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने शैतान बन सकते हो, और वो खाना फिर आपको पब्लिक में ले जा किसी बंदे को खिलाना है, ठीक है? वो एक प्रैंक टाइप का होगा। ऐसा प्रैंक अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया है। आप कुछ ऐसा ट्राई करो, घर पे कुछ भी बनाओ, उसको कैमरे में रिकॉर्ड करो और वो खाना फिर कैमरे में चलते चलते किसी और बंदे को खिलाओ। आपका ये प्री प्लान भी हो सकता है या फिर आप चाहो तो प्रैंक भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बार अगर आपने ये कंटेंट बनाना शुरू कर दिया ना, तो ये कंटेंट कभी रुकने का नाम ही नहीं लेगा। दोस्तों, फोर्थ चैनल आइडिया बहुत ही यूनिक है। आज के दिन लोगों की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि खुद को नहीं पता होता हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमें क्या फॉलो करना है। तो अगर आप यहाँ पे पर डे शेड्यूल बताना स्टार्ट कर दोगे, प्लान करना स्टार्ट कर दोगे लोगों की लाइफ को, तो आपका चैनल यहाँ पे मजबूरी में देखा जाएगा। मतलब मेरे जैसा बंदा है, उसको नहीं पता कि भाई आज मेरे को क्या खाना है। मतलब किसी को डायबिटीज है, ठीक है, तो वो किस किस डाइट को फॉलो कर सकता है। किसी को शुगर है तो किस डाइट को फॉलो कर सकता है। आपको हर एक बीमारी को पकड़ के उसकी डाइट को प्लान कर देना है और एक नॉर्मल इंसान के लिए भी आपको पर डे डाइट बना के चलना है। ऐसे में क्या होगा कि आपकी वीडियोज बहुत ज्यादा तादाद में देखी जाएंगी, बिकॉज आज के दिन सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को इसी के अंदर ही आ रही है। अभी दोस्तों, पांचवा पॉइंट तो ऐसा है ना कि मतलब मैं खुद भी आपकी वीडियो देखना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब ये है कि आप इफेक्टिवली स्टडी कैसे कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, प्री यूनिट आने वाले हैं, उनके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। मतलब आपके लिए यूनिट टेस्ट हो, आपके लिए वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, आप हर एक के हिसाब से आप अपने चैनल पर बताना स्टार्ट कर सकते हो।
इसके बारे में आपको चैनल बहुत कम मिलेंगे और ये जो कंटेंट है ये बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। अब खुद सोचो कि यूनिट टेस्ट वगैरह स्कूलों में कितने ज़्यादा होते होंगे, अगर किसी बच्चे को एक बार देखने की आदत पड़ गई और उसको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया तो आपकी वीडियोज भला वो क्यों मिस करेगा। तो आप इस टॉपिक पर भी अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चलने की संभावना है। दोस्तों अगला चैनल आइडिया कुछ ज़्यादा ही यूनिक है। आप यहाँ पे केयर का चैनल खोल सकते हो, कस्टमर केयर वाला केयर नहीं, आप यहाँ पे बेबी केयर, हस्बैंड केयर, वाइफ केयर या फिर आपके जो बच्चे हैं जो कि 10 साल से ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, 17, 18 साल के हैं, उनकी केयर माँ बाप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर चैनल खोल सकते हो। आप उनको रूटीन लाइफ में आप बता सकते हो कि आपको आपके बच्चे का यहाँ यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, आप उसको सिक्योर कैसे रख सकते हो, गलत आदतों से कैसे बचा सकते हो, बीमारी से दूर कैसे रख सकते हो। ऐसे ही एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए और वाइफ अपने हस्बैंड के लिए टिप्स दे सकती है। ऐसी टिप्स बहुत ज्यादा चलती है, सुनने में किसी किसी को हंसी आ रही होगी लेकिन वाकई में ही ये कंटेंट बहुत यूनिक है और देखे जाने वाला है। अब ट्राई करके देखिए, बेनिफिट आप खुद मेरे को खुद बताओगे। दोस्तों आप हाउ टू ऑर्गेनाइज को लेके एक नया चैनल क्रिएट कर सकते हो जहां पर आप ये बताओगे कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर अलमीरा या फिर ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताओगे जो कि हर एक बच्चा देखना पसंद करता है। क्योंकि स्कूल बैग को अच्छे से मैनेज कैसे करते हैं, बुक्स को अच्छे से मैनेज कैसे करते हैं, टिफिन को अच्छे से मैनेज कैसे करते हैं, इन सब के बारे में आपको यूट्यूब पर बहुत कम वीडियोस देखने को मिलेंगी और बिल्कुल यूनिक है। मतलब अगर किसी के आगे ये वीडियो गई तो वो 100% आपकी वीडियोज को देखेगा ही देखेगा। तो आप इस टॉपिक पर भी आपकी वीडियोज को स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट चैनल आइडिया बहुत ही कमाल का है। आप यहाँ पे हाउ टू डेकोर योर होम, योर बाइक, योर कार, योर एक्सेसरीज, ऐसी वीडियोज बना सकते हो। मतलब कि आप यहाँ पे कम बजट के अंदर किसी किचन को सजाना बता सकते हो, अच्छे से अच्छे वहाँ पे गैजेट बता सकते हो, क्या वो लगा सकते हैं, एक कमरे को सजाना, बेडरूम को सजाना, ऐसी वीडियोज बना सकते हो। ये जो वीडियो जना मिलियंस में देखी जाती है तो ये बिल्कुल यूनिक आइडिया है और हमेशा चलने वाला आइडिया है। आप इसको ट्राई एक बार जरूर से करके देखिएगा। दोस्तों अगला आइडिया सुन के हो सकता है आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाए। आपको रोस्ट करना है लेकिन किसी आदमी का नहीं, एक पॉपुलर मील को, जैसे कि कोका कोला हो गया, आपको उसका रोस्ट करना है। उसमें क्या क्या बुराइयां हैं आपको सिर्फ वो पकड़नी है। कुरकुरे हो गया, आपको सिर्फ बुराइयां करनी है। आपको हर एक ऐसी ब्रांड की जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मिलियंस में उसके फॉलोअर्स है, सिर्फ उसका रोस्ट करना स्टार्ट कर देना है। विश्वास नहीं मानोगे, आने वाले टाइम में आपको दब्बा के स्पॉन्सरशिप भी मिलने वाली है। एक बार ट्राई करके देखिए, 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों अगला जो चैनल आइडिया है ना, उसके ऊपर आपको यूट्यूब पर कुछ कुछ वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। मतलब सॉन्ग ट्रांसलेशन को लेके आपके पास कोई मराठी सॉन्ग है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए, पंजाबी सॉन्ग है इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए, और लिरिक्स वहाँ पे पंजाबी में, इंग्लिश में, हिंदी में आपको लिख देनी है। यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई भी गाना नहीं बजाना है, आपको सिंपली बोल के बताना है पंजाबी में ही और उसका ट्रांसलेशन करना है हिंदी में बोल के और इंग्लिश में बोल के। कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, कोई डर नहीं रहेगा, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो आएगा और एक वैल्यू भी दे रहा है। खुद सोच के देखो कितना ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाएगा। तो ये आइडिया आप जरूर से ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों अगला जो चैनल आइडिया है वो इतना ज़्यादा यूनिक है कि उसका जो कंटेंट है वो मिलियंस में जाएगा और आपके पास कंटेंट कभी ख़त्म भी नहीं होगा। वो क्या है, आप ये बताना स्टार्ट कर दीजिए कि हाउ टू बी ए फौजी, हाउ टू बी ए पुलिस ऑफिसर, हाउ टू बी ए चौकीदार, आप चौकीदार कैसे बन सकते हैं, फौजी कैसे बन सकते हैं या फिर सिपाही कैसे बन सकते हैं, यहाँ तक चपड़ासी भी कैसे बन सकते हैं। इंडिया में सारी चीज़ें चलती हैं। ऐसे ही कर करके आपको सारे के सारे जो फील्ड होते हैं उनके ऊपर वीडियो बना देनी है। आपकी वीडियो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बन जाएंगी कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। ये जो वीडियोज है आपको यूट्यूब पर फिलहाल परफेक्टली कोई नहीं बता रहा होगा, तो आप ये ट्राई करके फिलहाल के टाइम पे देख सकते हैं। और अभी जो बताने वाला है इसके अंदर आपको थोड़ी सी हंसी आ सकती है। एक्चुअली क्या है कि अगर आप एक लड़की है या फिर लड़के हैं और आप अच्छा खासा रोमांस कर लेते हैं या फिर आपको लव टिप्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छा खासा ज्ञान है, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आप इसको भी इनकैश कर सकते हैं। एक चैनल है लव टिप्स इन हिंदी, ठीक है। तो वो जो चैनल है ना इतना अच्छा चैनल है कि काफ़ी बार उसकी वीडियो मैं भी देख लेता हूँ। तो आप ये समझ के देखो कि अगर आप यहाँ पे अडल्ट्स को टारगेट करते हुए लव टिप्स बताना स्टार्ट करते हो और आपके अंदर वाकई में स्किल्स हैं कि आप लोगों को बता सकते हो कि आप ये फॉलो करो, ये फॉलो मत करो, तो आपको उस फील्ड के अंदर बहुत जल्दी ग्रोथ रेट मिलेगा। बिकॉज हर एक बंदा उसको क्लिक करके आपकी वीडियो को देखने वाला है। तो डेफिनेटली आप इस फील्ड को ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन तभी करना जब आपके पास स्किल्स हो। ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ ना है और आप औरों को सिखाना स्टार्ट कर दो।
दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको यहाँ पे रिसर्च नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कंटेंट बनाने में टाइम लगेगा, रिसर्च में टाइम नहीं लगेगा। आपको ऐसे ऐसे वीडियो बना देनी है कि मोबाइल में सिम कैसे लगाते हैं, मोबाइल में से सिम बाहर कैसे निकालते हैं, वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं, हॉटस्पॉट कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसी वीडियो आपको बना देनी है। मतलब आपको ऐसे ऐसे पॉइंट उठाने हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, आपको ऐसे ऐसे करके सारी वीडियोज बना देनी है। आपको यहाँ पे फेस भी दिखाना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सब कुछ समझा सकते हो। पर डे आप यहाँ पे 10 से भी ज्यादा वीडियो डाल सकते हो, इतना आसान ये काम है। डेफिनेटली आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, लंबे समय के बाद आपको इसमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। कंफर्म नहीं हूं, ये आप अपने विवेक से काम लेके ट्राई कीजिएगा। अभी दोस्तों मनी मैनेजिंग को लेके, आपको बैंक मैनेजिंग को लेके कोई वीडियो नहीं मिलेंगी यूट्यूब पर, बहुत कम वीडियोस मिलेंगी कि आप कैसे आपके टैक्स को, कैसे आपके पैसे को सेव कर सकते हो। आपको मतलब एक ऐसा चैनल मिल जाए जो कि आपको पैसे की मैनेजमेंट बताना स्टार्ट कर दे, कि आपको आपके घर के अंदर कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कितने रुपये का खाना खरीदना है, सारी बातें परसेंटेज बताना स्टार्ट कर दे, तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं मैनेजिंग करने की, आप कॉमर्स से अच्छे खासे पढ़े हुए हैं, बकायदा मेरे को इतना ज्ञान नहीं इस चीज़ के बारे में, तो आप इस पे अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। इस चीज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा और आपको कंपटीशन बिल्कुल नल मिलेगा। दोस्तों अगले चैनल आइडिया में आप यहाँ पे ट्रैवल गाइड बन सकते हो, लेकिन एक माइक्रो नीच पे जाके, मतलब आप स्ट्रीट फूड को ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप पर्टिकुलर किसी दुकान पे जाके सिर्फ, मतलब हो गया ना बिरयानी खाना, मतलब एक माइक्रो नीच पकड़ लीजिए, सिर्फ उसी पे काम कीजिए, अलग अलग जगह पे जाओ, अलग अलग जगह पे जाओ, ट्रैवल करते करते एक माइक्रो नीच के अंदर चले जाओ और वहाँ पे कुछ भी बताना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अब मेरे को जाना है शिमला, अब मेरे को नहीं पता कैसे मैं शिमला जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यूट्यूब पर सर्च करूँगा कि हाउ टू डिच शिमला और मेरे को एक वीडियो मिले जिसमें सब कुछ बता रखा हो कि आप यहाँ पे ऑटो से आएंगे इतने पैसे लगेंगे, बस से आओगे इतने पैसे लगेंगे, हवाई जहाज से जाओगे इतने पैसे लगेंगे, सारी बातें अगर मेरे को मिल जाती है, ऑटो से उतरने के बाद आपको 10 मीटर ऐसे चलना है, 15 मीटर इस साइड जाना है, आपको आगे ये मिलेगा, अगर आपको सारी बातें यूट्यूब पर मिल जाएंगी तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा ना। और अगर आप ऐसी वीडियो यूट्यूब पर डालोगे तो आपकी वीडियो 100% चलेगी और लंबे समय तक चलेगी, रुकने का कभी नाम नहीं लेगी। तो डेफिनेटली आप ये फील्ड भी ट्राई कर सकते हो। नया चैनल आइडिया कुछ ज़्यादा ही हटके हो गया। क्या आपने कभी फेक इट इंडिया चैनल सुना है? नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। आपको कम्प्लीटली फेक वीडियो बनानी है, कम्प्लीटली फेक, और साफ साफ मेंशन भी कर देना है कि ये वीडियो फेक है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। आपको कुछ ऐसी वीडियो बनानी है, जैसे कि कोरोना वायरस अभी आया है तो आप ऐसी वीडियो बना सकते हो कि मच्छर को लगा कोरोना वायरस और उसने काटा 10 किसी भी इंसानों को और उनको भी कोरोना वायरस हो गया। ऐसे कुछ वीडियोज आप बना सकते हो जो कम्प्लीटली फेक हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं लगाना, सिर्फ दिमाग में कोई बात आई उस पर वीडियो बना देनी है, लोग अपने मनोरंजन के लिए देखेंगे, लेकिन आपको तो इनकैश हो रहा है ना, पैसे मिल रहे ना, आप तो ग्रो कर ही रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड को भी ट्राई करके देख सकते हो। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है, आप एक वीडियो बना सकते हो, एक नहीं बकायदा हजारों वीडियोज बना सकते हो, व्हाट इनसाइड इट। आपने अगर एक आईसी ली है उसको तोड़ के जूम करके माइक्रोस्कोप लगा के दिखा सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है। इसी तरीके से आपके पास कोई भी गैजेट आता है उसको तोड़ के दिखा दो इसके अंदर क्या होता है, बैटरी तोड़ के दिखा दो, सेल तोड़ के दिखा दो, ऐसे ही कर करके आपके पास धीरे धीरे मोबाइल्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कुछ ऐसी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दो जिनको लोग देखते ही पसंद करें, मतलब आईफोन एक्स की बैटरी को तोड़ के दिखाना किडनी बेचने के बराबर हो गया, ऐसा कुछ ट्राई मत कीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको जो अच्छा लगे, जो आपके बजट में हो, आप उस चीज़ को तोड़ के व्हाट इनसाइड इट की एक वीडियोज बना सकते हो, बहुत सारी वीडियोज बना सकते हो, वो वीडियोज बहुत ही ज़्यादा चलेंगी यूट्यूब पर। दोस्तों अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ इसकी आपकी हर एक वीडियो मिलियन में जा सकती है, वो कैसे जाएगी? आपको यहाँ पे नई मूवीज़ के रिव्यू यूट्यूब पर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे जो कि 5 मिनट में 10 मिनट में मूवी के बारे में सब कुछ बता देते हैं, लेकिन थीम कोई आपको नहीं बताता। इसी तरीके से नई मूवीज़ के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन जो मूवीज़ आज से 10 साल 20 साल 40 साल पुरानी है उनके बारे में कोई नहीं बताता। तो अगर आप यहाँ पे ये गाइड करना स्टार्ट कर दो कि आपको कौन सी मूवी देखनी चाहिए कौन से हिसाब से, और आप उस वीडियो की थीम भी बता दो, आप उसी वीडियो के अंदर मतलब कंप्लीट मूवी की थीम बता दो कि उसके अंदर कब कब क्या क्या हुआ, कब आपको एक सस्पेंस क्रिएट हुआ, सारी बातें बताना स्टार्ट कर दो, तो जो लोग मूवी देखने के शौकीन हैं वो आपकी वीडियो को देख देख कर मूवीज़ को डाउनलोड करके देखना स्टार्ट कर देंगे और वहां से आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो।
दोस्तों अगले चैनल आइडिया में हम सबसे ज्यादा जो मैनेज करने वाले वो करने वाले टाइम को। मतलब आज के दिन कोई भी हाउसवाइफ हो गई या फिर कोई भी जेंट्स हो गया, टीवी के सीरियल देखना कितना ज्यादा पसंद होता है मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा। अगर आपके घर में लेडीज है, कोई बच्चा भी है, तो वो भी टीवी सीरियल देखने का इतना शौकीन हो जाता है कि खाना आगे रखा है लेकिन पहले टीवी सीरियल खाना है, मतलब टीवी सीरियल देखना है, ऐसा कुछ भी हो जाता है। तो आपको इस केस के अंदर करना क्या होगा, पर डे आधे घंटे का सीरियल आता है, 1 घंटे का सीरियल आता है, उसको सिर्फ 2 से 3 मिनट में बता देना है और उसकी वीडियो बना के YouTube पर डाल देनी है। पर डे आपको सिर्फ बैठकर लेक्चर देना है और ये वीडियो बनाकर डाल देनी है, बस आपका काम हो गया। जिस जिसने नाटक नहीं देखा वो आपकी वीडियो देखेगा, उससे देख लेगा हाँ यार ठीक है आज की स्टोरी में ये हुआ होगा, उसका पेटा भर गया। आप ऐसी वीडियोस भी बना सकते हो, सेम काम आप कार्टून के सीरियल्स के साथ भी कर सकते हो। मतलब जो कार्टून एपिसोड आते हैं, टॉम एंड जेरी का हो गया, वैसे टॉम एंड जेरी तो बहुत अब ओल्ड हो गया, उसका तो एपिसोड भी आप किसी को बता नहीं सकते, लेकिन छोटा भीम, डोरीमोन वगैरह वगैरह जो भी इनकी नई स्टोरी आती है आप इनके बारे में वीडियोज बनाकर यूट्यूब पर डाल सकते हो, जिनमें आप 4 से 5 मिनट में लोगों को बताकर उनका टाइम सेव कर सकते हो, उनको एक अच्छी खासी वैल्यू मिल रही है और आपका कंटेंट हमेशा देखा जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट चैनल आइडिया क्या है, आपको आपके मोबाइल से या फिर DSLR से फोटोज को कैप्चर करना है और विजुअल्स को रिकॉर्ड करना है, उसके बाद आपको उनके एक वीडियो मर्ज करके बना देनी है। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको 10 सेकंड बोलना है, वीडियो के लास्ट में आपको 10 सेकंड बोलना है, आपके फुटेज को यूज करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन बतानी है, बस आपका काम हो गया। आप ये वीडियो YouTube पर डाल सकते हो और पर डे चाहो उतनी वीडियो डाल सकते हो। अब वो आप फोटो के अंदर कुछ भी सेल कर सकते हो, आप शटर स्टॉक के जरिए बेच सकते हो, बाकी सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों अगला जो चैनल आइडिया आपको मैं बताने वाला हूँ वो आप सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आपको काम करना है माइक्रो निच पर। एक एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ, अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके घर के अंदर जो भी किचन में सामान है आपको और सामान मंगाना है और आपको सिर्फ उसी पे वर्क करना है कि बेस्ट प्रेशर कुकर, ठीक है, इसी तरीके से बेस्ट माइक्रोवेव, आपको सिर्फ किचन के ऊपर ही काम करना है और हर एक चीज किचन के बारे में बतानी है। अगर आप ऐसा करोगे, तो आपकी वीडियो सिर्फ वही लोग देखेंगे जो किचन की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है। बाद में आप किचन की वीडियोज को लेकर गैजेट्स के रिव्यू करना स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास कंटेंट की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। इसी तरीके से आप कोई भी फील्ड पकड़कर उसकी माइक्रो निच में जाकर किसी एक चीज को पकड़कर उसी उसी पे काम कर सकते हो। दोस्तों YouTube पर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि 10th क्लास को, 12th क्लास को या फिर उससे बड़े किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, बट ऐसे चैनल बहुत कम देखने को मिलेंगे जो कि आपको 5th, 6th, 7th, 8th, 9th क्लास की तैयारी करवाते हैं, वो भी उसी लेवल से जैसा कि 12th और उससे आगे क्लासेस की करवाई जाती है। तो अगर आप कुछ ऐसे चैनल स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट गाइड करेंगे, लाइव क्लासेस लेंगे, तो आपकी क्लासेस ज्यादा चलेंगी उनके भी मुकाबले, बिकॉज 10th और 12th क्लास के बच्चे तो फिर भी ट्यूशन करते हैं लेकिन इन क्लासेस के बच्चे ज़्यादातर ट्यूशन नहीं करते हैं और आपकी वीडियो जो ज़्यादा देखेंगे। तो आप डेफिनेटली ये फील्ड भी ट्राई करके देख सकते हो, मतलब कि सेकेंडरी स्कूल की जो पढ़ाई होती है उसको आप ट्राई कर सकते हो। दोस्तों अगला जो चैनल आपको मैं बताने वाला हूँ, एक बार आपने एक वीडियो वायरल कर दी और आप लोगों के दिल में बस गए तो आपकी हर एक वीडियो ही फिर वायरल होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, मतलब ये है आपको वो चैलेंजेस फॉलो करने जो कि आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि 1 किलो हरी मिर्च खाने का, 1 किलो करेले खाने का डायरेक्टली कैमरा के आगे, आपको कुछ ऐसे चैलेंज फॉलो करने हैं और ये सारे के सारे वीडियोज आपको कैमरा के सामने रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पर अपलोड करनी है। ऐसी वीडियोज भले ये लोग खुद करें चाहे ना ट्राई करें, लेकिन आपको करते हुए जरूर देखेंगे। प्लीज मेरी मान के बार फॉलो करके देखिए, जरूरी नहीं है मेरे भाई आप 1 किलो हरी मिर्ची खा के दिखाओ, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। अभी दोस्तों एग्रीकल्चर और जो फील्ड्स की कैटेगरी है ना, इसमें बहुत कम चैनल देखने को आपको मिलेंगे। मैंने खुद ने स्टार्ट किया था, 1 महीने मेरे 4000 सब्सक्राइबर हो गए थे, खुद सोच सकते हो कितना लो कंपटीशन है आज के दिन भी। तो अगर आप यहाँ पे एग्रीकल्चर की या फिर खेतों की नॉलेज रखते हैं तो आप इसके बारे में बताना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों लास्ट में जो वीडियो बताने वाला ना, वो थोड़ी सी फनी वे में जाने वाली है। आपको कंप्लीट यूनिक टॉपिक चूज करना है, जैसे कि हाउ टू चीट इन एग्जाम्स इन बोर्ड्स, या फिर आप ऐसी वीडियो बना सकते हो हाउ टू हैंडल योर एंग्री मॉम, या फिर आप ऐसी वीडियो बना सकते हो हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन एग्जाम्स विदाउट स्टडी। मतलब थोड़े से हटके बिंदास यूनिक टॉपिक्स
जिनके बारे में हर कोई नहीं सोच सकता। अगर आप ऐसी वीडियो बनाओगे डेफिनेटली आपकी वीडियो वायरल हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे आज के 25 ऐसे टॉपिक्स जिनको अगर आप फॉलो करोगे आज या फिर आज से कुछ दिन बाद भी तो आपका चैनल 100% ग्रो कर जाएगा, बिकॉज ये सारे के सारे न्यू है, यूनिक है, कम कंपटीशन वाले हैं और फ्यूचर को सेफ रखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, और पहली बार मेरे को देख रहे हो, अभी तक देख रहे हो, इतनी वीडियो को देख लिया, इतनी बड़ी वीडियो को, इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।